हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तन्नु की रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने आए हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं ये लड्डू। इसके लिए ना हमें चीनी की ज़रूरत है, ना गुड़ की ज़रूरत है, ना चाशनी की ज़रूरत है। एकदम इसमें नेचुरली होता है सारी चीज़ें, ऑयल और मिठास। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए अभी बताते हैं आपको ये कैसे बनाते हैं हम। मिठास के लिए इधर हमने डेट्स लिए हैं 200 से 250 ग्राम और इधर हम सीड्स इसके निकाल देंगे इस तरीके से। अंदर जो सीड्स हैं उनको निकाल देंगे और इसको ना मिक्सी में नहीं पीसना है, इसको फाइन चॉप कर लेना है, क्योंकि ये मिक्सी से पीस लोगे तो एकदम ज़्यादा ही चिपचिपे हो जाते हैं। इसलिए कढ़ाई हमने गरम कर ली है। एक चम्मच हम घी लेंगे और घी को गरम कर लेंगे। घी हमारा गरम हो गया, इधर हमने 1/4 कटोरी हमने ये बादाम लिए और इनको ना फ्राई कर लेंगे। ये चटकने तक इनको ना फ्राई करना है, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और इसके साइन होते हैं, ये चटकने लगता है और इसके कलर भी चेंज हो जाता है बादाम का। फिर हमारे बादाम देखो फ्राई हो गए हैं और हमने 1/4 कटोरी हमने इधर काजू बादाम को भी इधर हमने फ्राई कर लिया और काजू को भी हमें चला के फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। वैसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट खाते नहीं है, इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही मज़े से खाएंगे। और इधर हमने पिस्ता लिया है 1/4 कटोरी, इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी रोस्ट कर लेते हैं हम। और बादाम खाने से ना हमारा ब्रेन एकदम हेल्दी रहता है। इधर सारे ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इधर हमने ड्राई फ्रूट निकाल लिए। इधर जो हमारा घी बच गया है उधर हमने पम्पकिन सीड लेने हैं 1/4 कटोरी, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम पे फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। हमने 1/4 कटोरी खरबूजे के बीज लिए और इनको भी हमें फ्राई कर लेना है। ये सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं और हड्डियों में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे तो ये कोई खाता नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये सीड्स ना चटकने लगते हैं, ये साइन होता है कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको फ्राई करने में और अभी इनको हम निकाल लेते हैं। इसलिए हम एक चम्मच घी और डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। और अभी हम लेंगे 1/4 कटोरी खसखस और इसे ना अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमें घी ज़्यादा यूज नहीं किया है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी घी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 1/4 कटोरी इधर हम किशमिश लेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखनी है और इधर हम चाशनी या गुड़ का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली होता है ड्राई फ्रूट में, तो मिठास नेचुरली रहता है। इसमें ना शुगर पेशेंट जो भी होंगे वो भी आसानी से खा सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम शुगर इसमें नहीं डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसलिए। और अभी हमारे ये फ्राई हो गए हैं किशमिश और खसखस, इनको हम साइड कर देंगे और इसी में हम नारियल का बुरादा डालेंगे 1/4 कटोरी और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। नारियल का बुरादा क्या होता है, हमारे स्किन के लिए, इसमें ऑयल ज़्यादा होता है कोकोनट, इसलिए और हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इधर किशमिश नारियल का बुरादा अच्छे से फ्राई हो गया है और अभी इसको हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। इधर जो हमने ड्राई फ्रूट तरीके से हमें ना बारीक बारीक कट कर लेने सारे ड्राई फ्रूट। चम्मच घी और ले लेते हैं और इसे भी गरम कर लेते हैं। घी हमारा गरम हो गया और हमने जो डेट्स लिए थे उनको हम इसमें डाल देते हैं इस तरीके से और इनको भी फ्राई करेंगे। और डेट्स को ना हमें सॉफ्ट होने तक इनको फ्राई करना है, सॉफ्ट हो जाएंगे तभी लड्डू अच्छे बनेंगे, नहीं तो लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं, एकदम से बनने में प्रॉब्लम होगा बनाने में। ये खजूर ना ब्रेन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, एकदम हेल्दी होता है ब्रेन इसे खाने से, और बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट खाते नहीं हैं बच्चे, इस तरीके से लड्डू बनाते तो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं मज़े से। ये सॉफ्ट हो गया है, हमने फ्राई कर लिया और इस तरीके से हमें चेक कर लेना है कि देखो इतना सॉफ्ट हो गया है, अभी लड्डू बनने के लिए परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा हम इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है इससे। इधर हमने बादाम और जो काजू लिए थे ड्राई फ्रूट, इसको भी इसमें हम डाल देते हैं और इसे मिक्स करते जाएंगे साथ के साथ। और अभी खसखस और जो किशमिश हमने लिए थी और नारियल का बुरादा, सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अभी जो हमने सीड्स लिए थे इनको भी इसमें डाल देते हैं और सीड्स को भी ना हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, सीड को इस तरीके से।
मिक्स करते जाएंगे सारी चीज़ें। अभी मिश्रण हमारा बन के रेडी हो गया है। और आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म और कर लेना है, तो इससे क्या होगा लड्डू बनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से आप लड्डू बना लो। ये बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये लड्डू। नेचुरली ऑयल और मिठास होता है, इसमें कोई चाशनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। इस सारे मिश्रण से हमारे 19 से 20 लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। आप सुबह दूध के साथ एक लड्डू खाएंगे तो पूरा दिन का थकान आपको नहीं लगेगी, जिससे अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में, आप इनको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और ये हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं ये लड्डू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।